हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। बाइबल हमें बताती है एक बार मरना और फिर उसका न्याय करना बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक देख लेना, आपका जीवन सुधर जाएगा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुझसे कौन न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है और सारी जातियाँ आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम तो प्रकट हो गए हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल सच्ची और ठीक है, मगर आज मनुष्य सच्चाई को अनदेखा कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कोई व्यक्ति नरक न जाए, परमेश्वर के साथ स्वर्ग जाए और अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर यह नहीं चाहता कि कोई भी मेरे बेटे बेटियां नरक जाएं, सबको मन फिराने का अवसर दिया जाए। अगर आपके पास चाहे जितनी सुंदर गर्लफ्रेंड है तो उसे अभी गुड बाय बोल दो, वरना यही हस्ती आपको एक दिन डुबा कर रख देगी। इस संसार का ईश्वर इंगित करता है क्योंकि वह समय आ पहुँचा है कि परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय करे। मन फिरा लो, अंत का दिन चल रहा है, बचा लो अपने आप को नरक जाने से, क्योंकि अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा तो पहले तो परमेश्वर आपको 7 साल के लिए इसी पृथ्वी पर तड़पाएगा और फिर उसके बाद उसी आधार पर परमेश्वर आपको नरक में फेंक देगा, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती है और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का जो व्यक्ति नरक में जाएगा? कीड़े नहीं मरेंगे और आग कभी नहीं बुझेगी। अगर एक बार उस नरक में चले गए तो हमेशा के लिए गए, आपको वहाँ से कोई निकालने नहीं आएगा। उस धनवान की तरह एक बूंद पानी के लिए आपकी जी बैठेगी। यीशु ने कहा था, अवसर को बहुमूल्य समझो। आपको अवसर मिला है, अपना मन फिरा लो, एक दूसरे को देखकर अपना जीवन मत व्यतीत करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना, उस व्यक्ति को नहीं चुना है। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय आ पहुँचा है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन ही बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र ही बना रहे। देख, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। यीशु साफ कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, और हर एक काम के अनुसार उसका बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जो आप पाप कर रहे हो, परमेश्वर गिन गिन कर लिस्ट बना रहा है। जब आपका न्याय करेगा परमेश्वर, तब वही लिस्ट खोल कर आपको दिखाया जाएगा। तब वहाँ कोई क्षमा नहीं होगी, वहाँ केवल न्याय किया जाएगा, और उसी न्याय के आधार पर आपको नरक में डालेगा। स्वर्गदूत घसीट कर आपको नरक में फेंक देंगे। इतनी भयानक सजा, इतना भयानक दंड देगा परमेश्वर। आज लोग यीशु मसीह को खिलौना बनाकर रख दिया है कि यीशु ही है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। तब आपको वहाँ सब कुछ पता चल जाएगा, तब आग भी जलाएगी और कीड़े भी काटेंगे। यीशु ने कहा था, आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जिस चमड़ी पर आपको घमंड है, एक दिन परमेश्वर आग में जिंदा जलाएगा। इतनी भयानक झील होगी, तब आपको मन फिराने का अवसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आज सारा का सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे लात मारकर नीचे फेंक दिया था, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन लेना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे और उसकी सारी सेना को नीचे गिरा दिया था। आज वही शैतान हर स्थानों पर अपनी जगह बनाकर बैठ गया है, जैसा लिखा है यशायाह की पुस्तक में, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जात को हरा देता था, अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है? परमेश्वर ने शैतान को एक पवित्र स्वर्गदूत के रूप में रचा था। परमेश्वर ने उसे इतना शक्तिशाली और सुंदर बनाया था कि उसे धीरे धीरे घमंड आने लगा। परमेश्वर ने उसे करूब के रूप में रचा था। वह अपनी सुंदरता के कारण और पद के कारण घमंड से भर गया, और वह परमेश्वर से भी ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होना चाहता था। मगर परमेश्वर जानता था कि इसके इरादे कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। वह परमेश्वर का सिंहासन छीनना चाहता था, मगर वह परमेश्वर है, और उसे और उसकी सारी सेना को परमेश्वर ने पृथ्वी पर से फेंक दिया था पृथ्वी पर। और वही सेनाएं आज दुष्ट आत्माएं बन गई हैं, और उस शैतान को गिरने से पहले एक नाम दिया गया था, और उसका नाम लूसीफर है, और उसका न्याय परमेश्वर ने पहले ही से कर दिया था, जिसे प्रकाशित वाक्य 20:14-15 में लिखा हुआ है। हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए, और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए, या आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। देखिए, अगर आप इसी तरह पाप करते जा रहे हैं, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा और सांसारिक जीवन बिता रहे हो, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न होगा, तो उसे स्वर्गदूत उठाकर आग की झील में डाल देंगे, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा, जहाँ आग भी जलाएगी और कीड़े भी काटेंगे।
बड़े बड़े कीड़े होंगे, फिर उसे वहाँ से निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर एक बार उस नर्क में चले गए तो हमेशा के लिए गए। इसलिए बाइबल पढ़ो, यहाँ मसीह विरोधी के हाथ में मत पढ़ो। अगर यहाँ पर कोई रह जाएगा तो उसका क्या हाल होगा बताता हूँ। गलती से भी यहाँ मत रह जाना। इस पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रकोप के दिन में उस 7 साल में 7 कटोरे उंडेले जाएंगे। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उस 7 स्वर्गदूत पर यह कहते सुना कि जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। प्रकाशित वाक्य के 16:4-8 तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। जिन नल से पानी निकालते हैं उस नल से खून निकलेगा। नदियों में, झीलों में, तालाबों में चारों ओर लहू मिलेगा। पानी की जगह आपको खून पीना पड़ेगा। पानी की मारे आपकी जीव बैठेगी, इतना हाहाकार मचेगा इस पृथ्वी पर। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो है और जो था और जो न्यायी है, तूने यह न्याय किया है क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तुमने उन्हें लहू पिलाया है क्योंकि वे इसी योग्य हैं। आज मसीहियों को सताया जा रहा है, पास्टरों को मारा जा रहा है, लहू बहाया जा रहा है, पुलिस वाले प्रार्थना करने नहीं देते हैं, सबको लहू पीना पड़ेगा, खून का बदला खून। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है उसकी निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। मसीह विरोधी के दिन में इस सूरज को परमेश्वर आग का गोला बना देगा। इतनी हार्ड तपन दोषनी फेंकेगा कि मनुष्यों की चमड़ियाँ जिंदा झुलसेंगी, उनकी चमड़ियाँ सिकुड़ जाएंगी और मौत मांगोगे मौत भी नहीं आएगी। इतना तड़पाया जाएगा इस पृथ्वी पर। और फिर उसके बाद जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा तब उसको हमेशा हमेशा के लिए नर्क में डाल दिया जाएगा। बहुत बुरा हाल होगा, बचा लो अपने आप को नर्क जाने से।